हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर्स वैकेंसीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो फॉर्म फिलअप, जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 28 मार्च 2023 से ही स्टार्ट हो गई है दोपहर 12 बजे से, और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो 27 अप्रैल 2023 दोपहर 12 बजे तक ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम जो फॉर्म्स आते हैं उसमें आपके रात के 12 बजे तक का टाइम दिया जाता है, यहाँ पर दिन के 12 बजे तक का टाइम है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके। अभी तक वैसे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप कर ही लिया होगा, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इसके बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए आप यहाँ पे साइट पे जा कर के www.mponline.government.in यहाँ पे जा कर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो पूरी नोटिफिकेशन को, क्योंकि ये पूरी नोटिफिकेशन बहुत लंबी है, 24 पेजेस की है, तो सभी चीज़ों को इंक्लूड कर पाना वीडियो में संभव नहीं है। तो मैं बस मेन पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करूँगी, बाकी आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड भी मैं डाल दूँगी, वहाँ से भी आप जा करके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ के अपनी एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं। वैसे जो अगर हम नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नॉर्मली आपने मास्टर्स किया हुआ हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में, मिनिमम आपका जो परसेंटेज है 55% होना चाहिए। इसके साथ ही आपने या तो नेट किया हो या फिर आपने पीएचडी किया हुआ हो। नेट और पीएचडी दोनों नहीं मांगा गया है, या तो आपने एमए प्लस नेट है 55% के साथ में तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप एमए एमएससी एमकॉम 55% के साथ में और उसके साथ में अगर आप पीएचडी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एज की जो गणना है, आपका जो एज दिया गया है 21 से 40 साल तक का, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दिया गया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। एज लिमिट यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है। हालांकि अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है, 58 ईयर्स तक के भी अगर आप हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इसका जो कार्यकाल होता है वो 65 ईयर्स, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे ही स्टेट में लगभग 65 ईयर्स की एज तक की यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, फॉर्म के लिए आपकी जो एज की एलिजिबिलिटी होगी वो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की होगी। अब ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, प्रॉपर कैटेगरी वाइज 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एमपी के जो निवासी होंगे वो अप्लाई करेंगे, एमपी के बाहर के भी जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी में ही उनको काउंट किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म फिलअप करते हुए ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपने 10th में आपकी जो जन्मतिथि होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एज है उसको काउंट किया जाएगा, और 10th के सर्टिफिकेट में आपके प्रॉपर फादर और मदर्स का जो नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। एंड इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर फॉर्म फिलअप करते हुए अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए करेक्शन विंडो जो होगी वो 29 अप्रैल तक की खुली रहेगी, मतलब कि फॉर्म भरने के बाद में वापस से आप फॉर्म अपना ओपन करके 29 अप्रैल तक 12 बजे दिन के 12 बजे तक आप वहां पे सुधार कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि प्रति सुधार सत्र ₹50 आपको देने होंगे, यानी कि अगर आप इसमें कोई सुधार करते हैं तो जितनी बार आप करेक्शन करेंगे पर करेक्शन ₹50 यहाँ पे चार्जेबल होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म फिलअप करते जाइएगा एक एक स्टेप, इसके बाद में उसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा, फिर आप नेक्स्ट क्लिक करिएगा ताकि त्रुटि की कोई यहाँ पे संभावना नहीं हो। एंड इसके बाद में हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी यहाँ पर आ रखी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी में टोटल 18 पोस्ट निकाले गए हैं, एंड यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर आप एमपी से ही बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 पद आरक्षित किए गए हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और 2 पोस्ट यहाँ पर आरक्षित हैं एसटी कैटेगरी में। और इसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट की पूरी डिटेल दी हुई है, यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। इसके बाद में वेतनमान की बात करें तो पे लेवल 10th का पे लेवल यहाँ पे आपको दिया जाएगा, एंड
प्रॉपर यहाँ भी वही बात की गई है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो 55% अंक के साथ में नेट सेट या फिर आपने पीएचडी कर रखा हुआ हो। एंड इसके बाद और भी सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी हुई हैं, तो कई बार अलग अलग स्टेट में एक ही सब्जेक्ट है वो किसी और नाम से जाना जाता है, लेकिन सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पे उसी सब्जेक्ट को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे वही लिस्ट दे रखी हुई है कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली है और यूजीसी में उसका क्या नाम है। तो कंफ्यूज़ मत होइएगा, आपने जीव विज्ञान से अगर मास्टर्स किया हुआ है तो यूजीसी नेट में उसको लाइफ साइंस कहा जाता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने लाइफ साइंस में डिग्री ले रखी हुई है तो एमपी में अप्लाई कर रहे हैं तो जीव रसायन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हुए हैं, टोटल 36 सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है जिसमें कि आप प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं। और एक एक सब्जेक्ट की यहाँ पे, जैसे मैं साइकोलॉजी को ही पर्टिकुलरली मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, एक एक सब्जेक्ट को आप अलग अलग से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री के हैं या फिर अगर आप हिंदी के हैं तो प्रॉपर अलग अलग विषय के बारे में यही पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हुई है। तो जिस भी सब्जेक्ट के होंगे आप वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। जीव रसायन, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक रसायन, रसायन भौतिकी, वाणिज्य, नृत्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, मराठी, गणित, इसके बाद सैन्य विज्ञान, संस्कृत, संगीत वाद्य, संगीत गायन, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य प्राच्य, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, उर्दू, वेद और प्राणी शास्त्र, इन विषयों में वैकेंसी आ रखी हुई है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है अलाइड को लेकर के थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी से उनको मास्टर्स की डिग्री मिली हुई होगी। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कॉमन डिग्री देते हैं कि साइकोलॉजी, मास्टर्स इन साइकोलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में आपको वहाँ पे मतलब डिग्री प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे एमपी में ऐसा कुछ नहीं है, आपने चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा हुआ हो मास्टर्स, या फिर आपने अप्लाइड साइकोलॉजी से कर रखा हुआ हो, उसको साइकोलॉजी ही माना जाएगा, मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड आयु सीमा की हमने बात कर ली कि 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु, और 40 वर्ष जो है वो आपका 1 जनवरी 2023 तक कंप्लीट नहीं होना चाहिए, मतलब 40 से कम ही एज हो तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आयु संगणना तिथि भी यहाँ पे दे रखी हुई है। एंड इसके बाद में हमने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल होगी। एंड यहाँ पे अकॉर्डिंगली कुछ छूट भी दिया गया है जिसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी में अलग अलग छूट दिया गया है। और इसके बाद हम बात करें, मोटी मोटी बातें कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, खास खास चीज़ें ही हम बात करेंगे, क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन को एक वीडियो में इंक्लूड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में अगर आपके पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे भी आपको कुछ अंक प्रदान किए जाएंगे। और बेसिकली इसको आप देख सकते हैं कि कितने शैक्षणिक सत्र आपने लिए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। अब इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जिसका कि यहाँ पे जो है फॉर्मेट दे रखा हुआ है। तो इसको प्रिंट आउट करवा करके इसका प्रॉपर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एंड यही सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे ये पूरा डिटेल आपको फिल करना है, कहाँ पे पढ़ाया आपने, कितने से कितने समय तक आपने पढ़ाया, उसके बेसिस पे कितने अंक हुए आपके, प्रॉपर सारी चीज़ें मैच करी जाएंगी। तो बिल्कुल सही सही जानकारी दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक अंक की भी गलती हो गई काउंट करने में, और अगर आप लास्ट तक चले गए, यानी कि रिटर्न भी आपने निकाल लिया, इंटरव्यू भी निकाल लिया, इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, अगर एक अंक की भी अगर प्रॉब्लम हो गई, ऊपर नीचे हो गया, तो फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके साथ ही नाम भी बहुत ध्यान से याद रखिएगा, नाम अपना बिल्कुल सही सही लिखिएगा, क्योंकि जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उसमें आप अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते। तो नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही सही रखिएगा। और यहाँ पे फ़ी भी दे रखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क 500 रुपये ही दिया हुआ है,
और यहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अगर आप ST SC OBC या फिर PH कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 250 रुपीज़ यहाँ पे परीक्षा शुल्क रखा गया है। तो ये भी 500 रुपये भी ठीक है। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में सीधे 2000 रखा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे 500 रुपये ही दे रखा हुआ है। एंड हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा हुआ है, कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। एंड यही सारी चीज़ें हैं फॉर्म फिलअप करके। प्रॉपर यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप पूरे नोटिफिकेशन को अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। एंड प्रॉपर फॉर्म फिलअप करके आपको दिए गए पते पर आपको भेजना भी है। ये MP मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी है, तो रेसिडेंशियल एरिया आपका मध्य प्रदेश ही होगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट का कोड भी दे रखा हुआ है। तो पूरी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं। अगर पूरी नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न वैसे होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हेल्प दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। एक चीज़ और है कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। आपको ब्लैक बॉल पेन लाना है, OMR सीट आपको फिल करनी होगी। इसके बाद में प्रॉपर हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। और यही सारी चीज़ें हैं बेसिकली। आपको जो गोल है वो कैसे फील करना है, गोला कैसे भरना है, उसके बारे में भी प्रॉपर सारी चीज़ें मतलब आपको दे रखी हुई है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी पूरी नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एंड आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम जल्दी डिस्कस करेंगे MPSC सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या होगा, कितने नंबर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, रिटर्न से लेकर के इंटरव्यू तक पहुँचने का क्राइटेरिया क्या होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।